टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता और नीरज चोपड़ा की देश भर में सराहना हो रही है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही नागपुर के युवा एथलीट ने भी जश्न मनाया। नागपुर में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा सेंट्रल नागपुर ने नागपुर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास जुलूस मनाया। इस दौरान कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया, साथ ही उन्होंने मिठाइयों से एक इस दौरान कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, मिठाइयों से एक दूसरे की जय जयकार कर रहे थे और भारत माता की जय के नारे लगाए। आज खूब अभिमान आया कि भारताला इतका अभिमान आहे। आज ज्या शिखरावर जाऊन नीरज चोपड़ा याने आपली कामगिरी दाखवली आहे, भारताबद्दल अभिमानास्पद आहे। आज आम्ही भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य नागपूरच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात हा आनंदोत्सव करत आहे, खूब अभिमान आहे। परवा ही आम्ही भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपूर शहरातर्फे रेशीमबाग चौकात येथे मेन्स टीम टोक्यो ऑलिम्पिक ऑलिम्पिकमध्ये जी मेन टीम जिंकली त्याच्याबद्दलही आम्ही रेशीमबाग चौकात जल्लोष साजरा केला। अपेक्षा तर होती, ज्या प्रकारे जी मेहनत भारतामध्ये करून राहिलेले सगळे खेळाडू, त्या खेळाडूला मोदी सरकारतर्फे जी मदत आणि ज्या गोष्टी अवेलेबल पाहिजे त्या गोष्टी होऊन राहिलेल्या या उगम या मोदी सरकारमध्ये, त्याचा निश्चितच फायदा आज गोल्डमुळे आपल्याला एक मिळालेला आहे, त्याचा आनंद संपूर्ण देशभरात आज गोल्ड में आपल्याला मिळाला, एक खूप मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे।